बढ़ते हैं आगे। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में चुनाव लड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया है। मुरादाबाद में लगे युवक कांग्रेस के पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा से चुनाव लड़ने की अपील की गई थी। इसके बाद न्यूज 18 ने रॉबर्ट वाड्रा से चुनाव लड़ने के बारे में सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना समय पर निर्भर करेगा। उन्होंने मैसेज में लिखा कि वो जल्दी में नहीं है और चुनाव लड़ने के लिए लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। न्यूज 18 रिपोर्टर ने रॉबर्ट वाड्रा को मैसेज भेजकर मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की यूथ कांग्रेस की मांग पर सवाल पूछा तो उन्होंने चुनाव लड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया। न्यूज 18 ने सवाल पूछा, क्या आप मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे? रॉबर्ट वाड्रा ने इसका जवाब दिया कि ये समय पर निर्भर करेगा, इस पर काम करूंगा लेकिन जल्दी में नहीं हूँ। लोगों का भरोसा जीतना और महसूस करना जरूरी है कि मैं कर सकता हूँ। बदलाव, वक्त का इंतजार। अरुण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, जो ये हम एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे हैं और जो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है इंकार नहीं किया है, इसके क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि एक तरफ तो ईडी का शिकंजा उन पर कसा हुआ है, लगातार उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त ईडी की पूछताछ में व्यस्त है, लेकिन इस बीच जब मांग मुरादाबाद की तरफ से, वहां के यूथ कांग्रेस की तरफ से जो पोस्टर बैनर आपने दिखाया तस्वीरों में, उधर से की गई, इसी पर मेरा सवाल था कि क्या आप इस मांग को स्वीकार करने की स्थिति में है। रॉबर्ट वाड्रा का स्पेसिफिक जवाब था कि फिलहाल मैं और भी ज्यादा काम करना चाहता हूँ, सेवा लोगों की करना चाहता हूँ, इस लायक बनना चाहता हूँ कि लोग मुझे स्वीकार करें। तो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से एक साफ संकेत है कि वो आने वाले दिनों में सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हो चुके हैं, प्रियंका गांधी महासचिव बन चुकी हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा को जिस सीट से लड़ाने की मांग है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका पश्चिम उत्तर प्रदेश का माना जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी की तरफ से एक बार मुझे लगता है कि बातचीत जब घर में हो जाएगी, रॉबर्ट वाड्रा की जो इच्छा है, अगर आपको याद हो तो बहुत साल पहले उन्होंने अमेठी रायबरेली के दौरे के दौरान भी इस तरह की बात कही थी, तो रॉबर्ट वाड्रा की इच्छा जरूर है राजनीति में आने की। एक बड़ी जो वो संकेत दे रहे हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म को चुनने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो इस समय इस वक्त ही आ जाएंगे राजनीति में ऐसा नहीं है, वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण, आप बता रहे हैं सही समय, क्योंकि प्रियंका वाड्रा को लेकर के पहले सवाल थे कि वो कब आएंगे, उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आने का समय चुना। सवाल ये भी खड़ा होता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी इच्छा तो जाहिर कर दी है, लेकिन वो सही समय आएगा कब? मुझे ऐसा लगता है कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें रॉबर्ट वाड्रा सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे, 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, और जहां तक कांग्रेस पार्टी की रणनीति और जो हमारे सूत्रों की जानकारी है कि प्रियंका गांधी का चेहरा 2022 में कांग्रेस प्रोजेक्ट कर सकती है मुख्यमंत्री पद के लिए, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, 403 विधानसभा की सीटें, और वहां पर प्रियंका गांधी को एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कांग्रेस प्रोजेक्ट करके 2022 में लड़ाई लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है। मुझे लगता है उस वक्त प्रियंका गांधी की मदद के नजरिए से इस मुद्दे को लेकर के रॉबर्ट वाड्रा की पॉलिटिक्स में एंट्री हो सकती है, लेकिन अभी उसमें समय है। बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे।